नायगांव वसई में मिली नाबालिग लड़की के शव की गुत्थी सुलझी, सिरफिरा आशिक निकला लड़की का हत्यारा। प्राप्त जानकारी अनुसार बीते शुक्रवार को नायगांव वसई में झाड़ियों के बीचों बीच एक अज्ञात लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। बता दें, यह शव ट्रैवल बैग में पाया गया था, जिसमें से एक स्कूल यूनिफॉर्म भी बरामद किया गया था, जिसके बाद वाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी और शव को कब्जे में ले शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया था, जहां इस बात का खुलासा हुआ था कि लड़की के पेट में 12 बार चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। शुरुआती जांच में पुलिस के पास स्कूल यूनिफॉर्म ही एकमात्र ऐसा सबूत था जिसके जरिए लड़की तक पहुंचा जा सके, जिसके बाद पुलिस ने विले पार्ले में स्थित स्कूल से संपर्क किया, जहां इस बात का खुलासा हुआ कि लड़की का नाम वंशिका है, जिसकी उम्र 15 वर्ष है और वह 9वीं कक्षा की छात्रा है। जिसके बाद पुलिस ने लड़की के परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि 25 तारीख की शाम से ही लड़की लापता है और परिजनों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट अंधेरी पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाई है। जब अपराध शाखा पुलिस ने लड़की के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हुआ कि लड़की का एक 21 वर्षीय युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक बांद्रा का रहने वाला है और वह कैटरिंग का काम किया करता है, जिसके बाद पुलिस बांद्रा में स्थित युवक के घर पहुंची तो पुलिस को मालूम हुआ कि 21 वर्षीय युवक भी 2 दिनों से घर पर नहीं गया था। पुलिस ने जब युवक के रिश्तेदारों से संपर्क साधा तो युवक के एक और दोस्त का खुलासा हुआ, जो कि जुहू में स्थित चौल में रहा करता था। पुलिस जब युवक के दोस्त के घर पहुंची तो घर पर ताला पाया गया। पुलिस घर का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई तो घर में खून के छींटे पाए गए और साथ ही हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू भी बरामद कर लिया गया, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि लड़की की हत्या दोनों युवकों ने ही मिलकर की है। आगे की तहकीकात में पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें दोनों युवक बैग ले जाते भी पाए गए। मिली प्राथमिक जानकारी अनुसार युवकों ने पहले तो शव को बैग में डालकर नायगांव में ठिकाने लगाया और फिर वहां से विरार गए, जहां से वह गुजरात फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात भेजी गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक दोनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब होती है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।